है और सूरत खान की एक आयत की तफसीर में इमाम मोहम्मद बा़िर यह फरमाते हैं कि शब कदर में इंसानों की तकदीर लिखी जाती है अमा तबाह तबाही इस सिलसिले में फरमाते हैं कि शब कद्रसान की मौत हयात रिस्क रोजी रोटी रफत शत इन तमाम चीज़ों का फ़ैसला होता है और अगर हम इसके वजह तस्मिया यानी इसके नाम के वजह की बात करें कि इसका नाम कद्र पड़ क्यों पड़ा तो भी हमें यही मिलता है कि कद्र से मुराद यहाँ पर तकदीर है क्योंकि इसरात अल्लाह अपने बंदों की तकदीर लिखता है इसलिए इसरात को शब क़द्र कहा जाता है रसूल अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बदबक़्त वो इंसान है कि जो शबे कि जो शब कद्र की रहमतों और बरकतों से इस्ता ना उठा सके क्योंकि शब क़द्र एक ऐसी शब है कि जिसमें अल्लाह मकफिरत के दरवाजे खोल देता है और इंसान की हर दुआ को कबूल करता है जो भी इंसान जो भी इंसान चाहता है कि वो आने वाले आइंदा साल तक हर किस्म की बलाओं से महफूज रहे तो ऐसे शख्स के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि उसे चाहिए कि वो शब कदर में शबेदारी करे यानी रात भर जागे और रात भर जाकर वो खुदावंद आलम की इबादत करे और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से दुआ मांगे तो यकीनी सी बात है कि अल्लाह उसकी दुआ को सुनेगा, उसके गुनाहों को माफ करेगा और आने वाले अगले साल तक अल्लाह उसको और उसके अहल खाना को हर किस्म की बला और मुसीबत से महफूज रखेगा होते हैं और यहाँ पर एक और चीज में कहना चाहूंगी कि ये जो आयत है कि तनजल मलाई का तो यहाँ पर जो सीगा यूज हुआ है तनजल मलाई का ये पास्ट का सीगा नहीं है यहाँ पर अल्लाह यह ये नहीं कह रहा है कि मलाइका नाजिल हुए थे बल्कि अल्लाह ये कह रहा है कि मलाइका नाजिल होते हैं और कुरान में जो भी आयत है जो भी पैगाम है वो कयामत तक के लिए है तो जब ये सीगा हमारा प्रेजेंट का सीगा है ये हमारा पास्ट का सीगा नहीं है ना ये फ्यूचर का है ये प्रेजेंट का है यानी कंटिन्यू है ये ये जो अमल है ये जो सिलसिला है ये जारी है कंटिन्यू है तो ये अल्लाह किसके लिए कह रहा है किस पर फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं जब पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में मौजूद थे उस वक्त पैगंबर पर फरिश्ते नाजिल होते थे पैगंबर के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम पर नाजिल होते थे और इसी तरह से यह सिलसिला कायम था लेकिन आज किसके ऊपर नाजिल हो रहे हैं जाहिर है हमारे और आपके ऊपर तो नाजिल नहीं होते फरिश्ते तो इसका मतलब यह है कि नाजिल होने वाले फरिश्ते शब कदर में किसी और के ऊपर नहीं बल्कि हमारे आखिरी इमाम इमाम मोहम्मद मेहदी आसमाम के ऊपर नाजिल हो रहे हैं क्योंकि ये आयत अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये जो सीगा अल्लाह ने इस्तेमाल किया वो कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया है तो रसूल और दीगर आइमा के न रहते हुए हमारे आज के ज़माने में एक ही अल्लाह का वो अल्लाह का वो हादी मौजूद है कि जिसके ऊपर फरिश्ते नाजिल होते होते हैं और रिवायात में यह भी वारिद हुआ है कि फरिश्ते हमारे इमाम से इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि किस बंदे के बारे में किस तरह से उसकी तकदीर लिखी जाएगी यह भी एक जगह पर वारिद हुआ है लिहाजा नाजरीन मोहतरम शब कदर की बहुत ज्यादा अहमियत है और इसमें एक मुख्तलिफ आमाल भी बताए गए हैं कि हमें उस रात गुस्ल करना चाहिए हमें खुशबू लगानी चाहिए अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए नमाज पढ़नी चाहिए बहुत सारी दुआएं पढ़नी चाहिए कुरान मजीद की कुछ मुशक्त सूरों को मैंशन किया गया है कि इसको पढ़ना चाहिए बल्कि हाईली रिकमेंडेड है कि ये चीजें करनी ही करनी है क्योंकि जैसा कि रसूल ने फरमाया कि जो शख्स शब कद्र की रहमतों से महरूम हो जाए तो फिर वो इस दुनिया में किस चीज से फैजियाब हो सकता है तो नाजरीन मोहतरम आज के अपने इस एपिसोड को मैं यहीं पर तमाम करती हूँ आपसे मुलाकात होगी हमारे एक और नए एपिसोड में तब तक बने रहें चैनल विन के साथ वालक वरहमल व Yeah.